नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कमेंट बॉक्स। जी हाँ, आपने जो भी कमेंट किए थे वीडियो के नीचे उसका हम आंसर देंगे। कम से कम 25-30 हमने कमेंट्स लिए हैं यहाँ पे। उम्मीद करूँगा लगभग जितने इम्पोर्टेंट मुझे लगे कि इनका आंसर देना इम्पोर्टेंट है, ताकि सभी लोगों के उनके बारे में जानकारी मिले, उन सबका मैंने कमेंट्स यहाँ पे लिए हैं। अभी सीरियल वाइज हम उनका आंसर देंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप अगर नए हैं तो भाई आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसे होली के 2-3 दिन बाद में नया जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपका कमेंट्स है वो उसको पिकअप कर लेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा भाई। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। नीम खान नाजिम खान बोलते हैं, सर राजस्थान में कोई अच्छा अर्जेंट है विदेश भेज सकता है कनाडा में? देखिए भाई, राजस्थान में अच्छे एजेंट सब हैं। अगर कोई पूछे, देखिए जो मैन पावर ऑफिस है, घर में कोई पूछे तो सब बोलेंगे सभी अच्छे हैं। मैन पावर ऑफिस सब अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है, समझ गए? राजस्थान में मैंने जो बुक बनाई बताई है उसमें भी हैं 55 मैन पावर ऑफिस हैं जो आपके नज़दीक में मिल जाएंगे, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर कोई यूरोप से रिलेटेड काम करता है तो। बाकी चांसेस कम लगते हैं। निशु बेरवाल ने पूछा है, सर दुबई में विजिट वीज़ा में गया था एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, पीसीसी का चार्ज मांग रहा है, क्या सही है क्या? दुबई पीसीसी हो जाएगा क्या इंडिया का, प्लीज़ रिप्लाई। यार दुबई का पीसीसी, पहली बार भाई आपका एजेंट बड़ा स्याणा है, और स्याणा इन्हें डेढ़ स्याणा है कि वो पीसीसी के नाम से आपसे चार्जेज मांग रहा है। उसके है ना पिछवाड़े पे जूता दो, मारो मारो जूता मारो उसके, तब समझ में आएगा उसको, समझ गए बात को। अजय मंडल बोलते हैं, सर सऊदी से कुवैत जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, सऊदी से आप अमेरिका भी जा सकते हैं, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। जी हाँ, कुवैत का 18 नंबर वीज़ा ओपन हो गया क्या? जी हाँ बिल्कुल, कुवैत के सब वीज़ा स्टार्ट हैं, वीज़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मैन पावर ऑफिस से। लेकिन एपी सिंह बोलते हैं, सर जी आपकी बुक में तो मोगा का एजेंट का ऑफिस एड्रेस है, आप कह रहे सी मोगा का एजेंट ऑफिस में है। देखिए ये जो बुक है ना भाई, इसमें पंजाब के 102 या 3 मैन पावर ऑफिस हैं। मोगा में मैंने नहीं बोला शायद कि ऑफिस में आपके पास एड्रेस है। और दूसरी बात, अगर बुक में नहीं है मान लो, तो भाई मोगा में अगर कोई है ही नहीं तो मैं कहाँ से लिख दूँ? विदेश मंत्रालय ने लिखा ही नहीं तो मैं क्या करूं उसमें? अगर मोगा में कोई मैन पावर होगा तो ज़रूर आएगा, नहीं है तो नहीं है। आपके और मेरे कहने से तो वहाँ पे कोई मैन पावर ऑफिस ज़बरदस्ती तो एड्रेस नहीं लिखा जा सकता। गगनदीप गिल बोलते हैं, सर नमस्कार, मैं कुवैत में इलीगल काम करता था, मैं कोरोना में छूट होने से इंडिया आया हूँ, मैं कहाँ से पता करूँगी कुवैत से ब्लैक लिस्ट हुआ या नहीं? अगर एम्बेसी पता करूँ तो क्या अपॉइंटमेंट लेकर? देखिए अगर आप उस दौरान आए हैं जब कुवैत ने ये बोला था सरकार ने, कोरोना 2020 कोरोना काल था, मार्च के बाद अप्रैल मई की बात है, कि जो लोग अभी जाते हैं उनको हम ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे, दोबारा वो लोग आ सकते हैं, उन लोगों का एयरपोर्ट पे फिंगर नहीं हुआ था। अगर आपका एयरपोर्ट पे फिंगर नहीं हुआ तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। कृष्णा ने पूछा है, सर लेबर कोर्ट में सैलरी के लिए केस किया था, मुझे पैसा भी मिल गया और केस भी बंद हो गया, पर वीज़ा मेरा एक्सपायर हो गया, क्या फाइन भरे बिना वीज़ा कैंसिल किए जा सकता हूँ इंडिया? एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखिए आपका केस है ना थोड़ा अलग तरीके का है भाई, क्योंकि आपने केस किया कंपनी पे, उस वजह से आपका वीज़ा कैंसिल हो, वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो वीज़ा कैंसिल तो कंपनी ने कर दिया हो, वीज़ा एक्सपायर आपका हो गया और आपको इंडिया आना है, तो भाई देखिए तरीके से तो आप ओवर स्टे हो गए, और ओवर स्टे का तो चार्ज लगेगा नो डाउट। तो आपने हालांकि कोर्ट केस का आपका मैटर है, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, एक बार आप इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर लें ताकि एयरपोर्ट पे आपको दिक्कत नहीं आए। करमपाल बोलते हैं, सर जी मेरी बुक ऑर्डर किया है क्या? बुक का आप प्लीज़ कॉल उठाओ जी। तो आपको मैं बता दूं करमपाल जी, आपने कमेंट किया कि कॉल उठाओ, तो आपको ये लगता है कि भाई आपने मुझे, हो सकता है मेरे, हालांकि फ़ोन तो ऑफिस का नंबर पर बंदा रिसीव करता है, वहाँ पे फ़ोन अटेंड नहीं हुआ और आपने कमेंट किया। कमेंट तो मैं 2-3 दिन बाद में देखता हूँ यार, ऐसे कमेंट करने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? बंदा ज़रूरी बिजी होता है, दूसरे फ़ोन पे बिजी होता है, तो कई बार फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते या टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा आपको सस्पेंस आपको थोड़ा सा रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, फ़ोन और अटेंड हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आपकी वैसे बुक तुरंत दूसरे दिन निकल गई थी। क्या नक्साइड बोलते हैं, आज के टाइम में किसी एजेंट पे के चक्कर में ना आए, सब लुटेरे हैं। तो पता नहीं भाई क्यान क्या लिखा है, तो मैं बता दूं कि अगर आप किसी एजेंट के चक्कर में नहीं आओगे तो आप विदेश कैसे जाओगे, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप मैन पावर ऑफिस गवर्नमेंट अथोराइज जो इस बुक में हैं,
1600 इंडिया में पूरी में अगर बात करें, उनके चक्करों में आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी आप फर्जी लोगों के चक्करों में आओगे तो दिक्कत होनी होनी। रोहित ठाकुर इंसान बोलते हैं, हेलो सर मैं रोहित हूँ, आर यू आर सर कनाडा पीसीसी मांगता है क्या? नहीं तो न्यूज़ पर न्यू अपडेट आ रही है कि आरटीपीसीआर ख़त्म हो गया है। आपने भाई पीसीसी के बारे में पूछा है या आरटीपीसीआर के बारे में पूछा है? तो बता दूं कि कुछ देश आरटीपीसीआर मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, बाकी अभी सब बंद हो बंद ही है। मान लो मार्च से बंद ही है, आरटीपीसीआर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केस हो गए ख़त्म इंडिया में। नूरी ने पूछा है, सर मेरे हस्बैंड दुबई में शादी के करने वाले हैं, अब मैं क्या करूँ? आपके हस्बैंड दुबई में शादी करने वाले हैं और अगर आप मुस्लिम समाज, अब बाकी तो तीन तलाक का मैटर हो गया ख़त्म, तो आप नियम सबके ऊपर लागू बराबर हैं, तो आपको इंडियन एक अच्छे एडवोकेट आपके नज़दीक में है, उनसे राय मशवरा करके और तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर संसार एक तरीके से परिवार एक अलग हो जाता है भाई। तो आप थोड़ा सा जल्दी इस पर एक्शन लें, एडवोकेट की राय लेके और पुलिस में संपर्क करें, और आप ज़्यादा बातें तो मैं अभी क्या बताऊंगा, आपका केस किस तरह का है क्या है वो सब बातें मुझे पता नहीं है, बाकी नॉर्मली यही होता है। मोहम्मद फरमान ने पूछा है, सर मेरे रिश्तेदार सऊदी में हैं, 4 साल हो गए हैं पर कफील घर नहीं भेजता है, बताएं क्या करें, फरमान नाम है मेरा। भाई देखिए 4 साल हो गए घर नहीं भेजता है, उसके पिछवाड़े में जूते मारने पड़ेंगे कफील के, वो कफील नहीं है वो, ये मान लो गंदा आदमी है ये समझ लो आप, समझ गए। और इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट आप चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा तो उसका अग्रीमेंट नहीं हुआ, उसके तो गांड पे जूते मार के और पकड़ के पुलिस स्टेशन तक ले जाना चाहिए, मानव तस्करी का मुकदमा लगवाना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि सऊदी सरकार ने एक कानून बनाया था कि समय पे छुट्टी नहीं देना, तनख्वाह नहीं देना, टॉर्चर करना मानसिक रूप से, तो उनके ऊपर मानव तस्करी का मुकदमा लग सकता है, अपहरण का मुकदमा। अब ये कौन करेगा वो तो आपको आपके वहाँ पे लोग हैं उनसे संपर्क करके करवाना पड़ेगा। शकील सोलंकी बोलते हैं, सर नमस्कार मैं दुबई में हूँ, दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, इमिरेट्स आईडी 2 साल की है, 1 साल हो गया है मुझे इंडिया कैंसिल आना है, कंपनी कैंसिल नहीं की है अभी तक, लेबर लॉ में कैंसिल ऑनलाइन कंप्लेंट हो जाएगा। देखिए हाँ हो जाता है, वीज़ा कैंसिल तो कभी भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको वो लीगल तरीके से करो ना, 1 साल से टाइम ऊपर हो गया है तो आप इस्तीफा दे दो ना पहले उनको लिखित में, फिर 1 महीने ड्यूटी करो, फिर वीज़ा कैंसिल करके इंडिया आ जाओ, बात खत्म। मुकेश जांगिड़ बोलते हैं, सर बहरीन के लिए इमिग्रेशन नहीं हो रहा, ट्रेवल एजेंट जयपुर से वाया दुबई बहरीन भेजने की सलाह दे रहा है। इमिग्रेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका दिक्कत हो रही है, तो आपका वो दुबई भेजेगा, इसका मतलब पहले आपको दुबई का वीज़ा देगा, फिर वहाँ से आपको दुबई से बहरीन का वीज़ा देगा, तो वो तो पूरा गलत है भाई, वो लीगल नहीं है, मैं तो उसको गलत मानता हूँ। एमडी हैदर बोलते हैं, सर जी एक वीडियो बना दो जिसमें इंडिया में पुलिस केस चल रहा है और गांव में मारपीट हुई थी, बंदा उसमें था कि नहीं, उसके खिलाफ़ झूठी केस हो जाती है और बॉय बेल करवा लेता है, तो इस कंडीशन में क्या बंदा अबू धाबी काम करने के लिए जा सकता है? इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे एमडी हैदर, 1-2 दिन में आ जाएगा, दीपावली के बाद 20 तारीख के बाद में, उस पर और भी बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी विदेश जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वापस आएगा तो वो अरेस्ट वारंट निकल जाएंगे और उसको जेल जाना पड़ेगा, तो कहने का मतलब थोड़ी दिक्कत है। एंट्री वीज़ा क्या होता है? एंट्री वीज़ा का मतलब होता है कि एंट्री गेट बोल दो, एंट्री वीज़ा बोल दो, एंट्री पास बोल दो, आप जिस जगह में जिस शहर में जहाँ जिस देश में घुस रहे हैं उसके लिए एंट्री लेनी पड़ती है। आप किसी के घर में घुस रहे हैं तो उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी ना आपको कि मैं अंदर आ जाऊं, वो बोलता है हाँ जी आ जाओ, वो एक एंट्री हो गई। सेम वही है, किसी देश में जाने के लिए एंट्री परमिट होता है, एंट्री एक पन्ना दिया जाता है, कागज़ बोल दो, उसी को वीज़ा बोला जाता है। हिंदुस्तानी मुंडा बोलते हैं, सर पीसीसी बन गया है, बन के आ गया है, मगर स्टेटस में पीसीसी अंडर रिव्यू दिखा रहा है, नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, पीसीसी बन के आ गया है, अंडर रिव्यू वो उनकी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटली जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस कार्यालय की, उनके पास हो सकता है पहुंची नहीं होगी या उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा, कोई चक्कर नहीं है, अगर आपके कोई दिक्कत नहीं है तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। परवीन कुमार बोलते हैं, सर दुबई में हूँ इस टाइम और मैं 2 साल से कंपनी 2 साल का वीज़ा लगा रखा है, 1 साल में काम ख़त्म हो गया है, तो क्या सर मैं दूसरी कंपनी में जा सकता हूँ? बिल्कुल आप दुबई में हैं जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, कंपनी भी आपको रोक नहीं सकती, रस्से से बांध लेगी तो भी आप रुकना मत, आप जा सकते हैं दूसरी कंपनी में, वीज़ा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक मेघवाल ने पूछा, जयंत सर मैंने इंटरव्यू इलेक्ट्रिशियन का दिया था, आज मेरी वीज़ा आई है, उसमें गार्डनिंग लेबर लिखा है, सर ये क्या करें? देखिए आपको बता दूं क्लियर की, पहली बात तो आपने कौन से देश का कौन सा वीज़ा कहाँ इंटरव्यू लिया ये तो एक अलग बात हो जाती है।
दूसरी बात ये होता है कि जैसे कई कंपनियां होती हैं ना, उनको कोटा एक एक ट्रेड के काफ़ी सारे नहीं मिल पाते हैं, तो वो दूसरे ट्रेड का वीज़ा निकाल देते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट आपका वो रहेगा जो आपका अग्रीमेंट है। वीज़ा में ट्रेड आ गई, चल जाती है, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, दूसरी ट्रेड आ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की मान लो उनको 100 ज़रूरत है, वीज़ा उनके निकले हैं 50, तो वो 50 फिर दूसरे तरीके से वो कवर करते हैं। लेकिन जो अग्रीमेंट है ना आपका, जो आप जाओगे कंपनी में जो अग्रीमेंट होगा उसको पढ़ लेना, उसमें इलेक्ट्रिशियन नाम लिखा होना चाहिए, तनख्वाह होनी चाहिए, अग्रीमेंट भी मोरे से रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो देख लेना। अग्रीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। नायक राकेश बोलते हैं, हेलो सर, मैं कुवैत में जीसीसी कंपनी में गया था, मैं कंपनी छोड़ दिया, उसके बाद लॉकडाउन 2020 में सफ़र खुला था तो मैं आ गया। तो इनका आपका कहने का मतलब है, कंपनी में गया, पासपोर्ट लेके इंडिया आ गया, एयरपोर्ट पे फिंगर नहीं हुआ, अब मैं वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो बता रहा है कि आपकी कंपनी ब्लॉक है, आप कुवैत नहीं जा सकते हैं, आप बता सकते हो क्यों? देखिए, आप जिस कंपनी से आए उसका तो अभी कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, वो तो 2020 का मैटर था, 2022 चल रहा है, वो तो बात ही खत्म हो गई। अभी आप नए वीज़ा से जा सकते हैं, उस कंपनी में नहीं जा सकते। अगर आपकी कंपनी ब्लॉक हो गई तो आपको परमिट नहीं मिलेगा, वो परमिट कैंसिल हो गया आपका, आप दोबारा अप्लाई करें और जाएं। और ज़्यादा जानकारी के लिए भाई कुवैत एम्बेसी संपर्क कर सकते हैं। शुभम बेवा बोलते हैं, सर मैं 2017 में लीव आया था, अब वापस नहीं गया, 2018 में कैंसिल हो गया, पर मेरे पास कैंसिल पेपर नहीं है, अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जा सकता हूँ, मुश्किल तो नहीं होगी? देखिए, जैसे सऊदी में है एग्जिट पेपर मांगते हैं, एग्जिट नहीं होते हैं तो एजेंट बोलते हैं 10,000 दो, 7,000 दो, हम मंगवा देंगे, सेटिंग से कर लेंगे। बाकी कई देशों में जा सकते हो, कई देशों में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे देश का नाम मेंशन नहीं किया है। सिलू वर्मा बोलते हैं, सर राम राम, अगर अग्रीमेंट गवर्नमेंट अथोराइज मैन पावर से जाते हैं और फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? देखिए, मैन पावर ऑफिस से जाने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जैसे आपने, आपके पास कार है और आपके पास लाइसेंस है, इसका मतलब तो ये नहीं हो सकता ना कि आप एक्सीडेंट नहीं कर सकते, एक्सीडेंट लाइसेंस होने के बाद भी हो जाता है। इंस्टेंट कुछ प्रॉब्लम कभी कभार, देखिए ऐसी रिस्क तो लेनी पड़ेगी, ये नहीं कि गारंटी 100% है। गोल्ड होता है ना, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा टांके लगते हैं तब जाके वो गोल्ड का रूप ले पाता है, 100% शुद्ध होता है, फिर भी उसमें कुछ मिलावट होती है तभी गोल्ड बनता है, वरना तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, बिस्कुट क्या बिस्कुट ही, समझ गए? तो ये है, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आप ट्रस्ट किया जा सकता है, 99% कोई दिक्कत नहीं होती है। मोहम्मद शाह ने पूछा, सर हमारे पास वीज़ा नहीं है, खली बली है, क्या हम घर कैसे आएँ? आपके पास वीज़ा नहीं है, खली बली है, तो इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करें और आउट पास बनाएँ और इंडिया आ सकते हैं। हर्जत देवाना बोलते हैं, सर दुबई में सप्लाई कंपनी में फंस गया हूँ, 4.5 दराम पैसा घंटा का बोला था, अभी 3.5 दराम दे रहा है, अब अक्टूबर 2018 को आया था, अभी जनवरी में मैं इंडिया कैसे वापस आऊँ, पासपोर्ट नहीं दे रहा, 7,000 दराम मांग रहा है। देखिए, ये सप्लाई कंपनियों में प्रॉब्लम है भैया, अग्रीमेंट में अगर आप अग्रीमेंट किया है, अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहा, तो लेबर कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, अपने आप सीधा हो जाएगा। अब्दुल कादिर बोलते हैं, सर पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद दोबारा बन जाता है? बिल्कुल, पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद दोबारा बन जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नमस्कार सर, आपकी बुक हिंदी में है या हिंदी में है या इंग्लिश में है? भाई अपनी हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। सुजा मेहदी बोलते हैं, नमस्कार सर, आई वांट टू कुवैत, कुवैत वीज़ा ओपन है और नॉट? बिल्कुल, कुवैत के वीज़ा ओपन है, आप जा सकते हैं, अभी तो भाई सब देशों के वीज़ा ही ओपन है, कोई दिक्कत वाला चक्कर है ही नहीं। तो साथियों, ये कुछ अपडेट थे, आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे वीडियो के नीचे, मैंने आपको आंसर दिए, उम्मीद है कि आपको सब बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप नए हैं, आपका कोई कमेंट्स है तो आप वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जैसे बनाएंगे 3-4 दिन में आपको आंसर उसका देने की कोशिश की जाएगी। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।